दोस्तों रिसेंटली कई सारे नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की लॉन्चेस की लाइन लगी हुई है और कई सारे नए स्टार्टअप्स अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा कई साल पुराने जो हम ऑटो रिक्शा चला रहे हैं वो वाली कंपनी भी अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च कर रही है। तो इसी बीच हमें कंफ्यूजन रहता है कि किसकी ऑटो रिक्शा लेना चाहिए, या नया स्टार्टअप्स की या जो पुरानी हम रेगुलर चला रहे हैं इसी इंजन की, वो वाली कंपनी की ऑटो रिक्शा लें। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। जानने से पहले शाबू व्यूअर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना। तो चलिए जानते हैं नए स्टार्टअप्स वर्सेस ओल्ड कंपनी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे और दोनों के बीच में इनोवेशंस किसका ज्यादा हो रहा है वो भी जानेंगे, और किस कंपनी से हमें ज्यादा एडवांटेज मिलने वाले हैं, और उसके बाद हम डिसएडवांटेज देखेंगे, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी रही है नए स्टार्टअप्स की और ओल्ड कंपनी के बीच में। तो शुरू करते हैं डिफरेंस से। एक नया स्टार्टअप्स जो मार्केट में पहले से ही मिलने वाले ऑटो रिक्शा के अंदर कोई भी कमी होती है तो उसके ऊपर अपना आइडिया से काम करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट के अंदर, और उस प्रोडक्ट में कुछ भी गलती निकलती है तो उसको सॉल्व करते हुए अपना नया मॉडल या नया वेरिएंट लॉन्च करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा ओमेसा की मोबिलिटी का और एलर का। ये दोनों ने भी नया स्टार्टअप्स है और अपने नए फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं मार्केट के अंदर। अगर बात करें हम ओल्ड कंपनी की तो ये भी कभी नया स्टार्टअप्स हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इनका मार्केट बहुत ही बढ़ चुका है। तो इन्होंने जो पहले डीजल या सीएनजी ऑटो रिक्शा है उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके इनका प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। इनको सेपरेटली कोई प्लेटफॉर्म या कोई नया इनोवेशन नहीं करना होता है, जो प्रोडक्ट इनका पहले से ही अवेलेबल है उसी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करती है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। जैसे आप अपे पियाजो को देख सकते हैं और बजाज को भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें इनोवेशन की तो नए स्टार्टअप के जो ऑटो रिक्शा होते हैं उसके अंदर आपको काफी सारे इनोवेशन काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कुछ स्टार्टअप्स आपको ज्यादा रेंज देने का फोकस कर रहे हैं जैसे कि मंत्रा और ओमेगा की मोबिलिटी, और कुछ स्टार्टअप्स आपको जो ड्राइविंग कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि दंडेरा का आटुआ के अंदर आपको एसी भी देखने को मिलती है, और कुछ स्टार्टअप्स आपको ज्यादा पेलोड कैपेसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर काफी सारे नए इनोवेशन निकल के आ रहे हैं हमारे लिए, जैसे कि फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, और बैटरी के सेफ्टी को लेकर लिक्विड कूलिंग के साथ भी आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बैटरी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से नए स्टार्टअप्स अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी जोड़कर अपने ऑटो रिक्शा को मार्केट के अंदर बेचने की कोशिश कर रही है अलग अलग इनोवेशन के साथ। अगर हम बात करें पुरानी कंपनियों की तो ये अलग ही नशे में चल रहे हैं भाई। इनके पास जो आईसी इंजन का ऑटो रिक्शा है उसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च कर रहे हैं। बस फर्क इतना देखने को मिलता है कि आपको आईसी इंजन की जगह आपको मोटर देखने को मिलती है और सीट के नीचे बैटरी दिया जा रहा है। बस इसके अलावा इनको कोई इनोवेशन के पड़ी ही नहीं है और नए फीचर देने का इरादा भी नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं जितने भी पुराने जो कंपनियां होती है सेम ऑटो रिक्शा आपको ईवीएम मिल जाएगी, उसके अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि जो पुरानी कंपनियों की ऑटो रिक्शा है उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं हमें। अगर हम दोनों के एडवांटेजेस देखेंगे तो यहाँ पे नया स्टार्टअप्स के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे। नया स्टार्टअप्स अपना जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है वो स्क्रैच से बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक के लिए ही बना रहे हैं, तो आपको नया चेसी और नया डिजाइन नया मॉडल देखने को मिल सकता है। और जो नया स्टार्टअप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बनाने से पहले मार्केट को रिसर्च करता है तो आपको आपके हिसाब से एक नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए यहाँ पे मौका मिल जाता है, जैसे कि आपको ज्यादा रेंज चाहिए, ज्यादा पेलोड चाहिए, ज्यादा कंफर्ट चाहिए, इस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलते हैं खरीदने के लिए, और आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चूज कर सकते हैं, या तो कंपनी को बोल कर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को मॉडिफाई भी करा सकते हैं कंपनी से ही। अगर पुराने कंपनियों का सबसे बड़ा एडवांटेज देखा जाए तो इनके शोरूम हर सिटी के अंदर अवेलेबल है ओवरऑल इंडिया के अंदर। अगर आप अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे स्विच करना चाहते हैं तो आप इनके शोरूम पे जाइए और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का बुकिंग करके आप तुरंत आप ईवी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको बजाज एपे पियाजो और महिंद्रा के शोरूम देखने को मिलते हैं ज्यादातर। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जहां से लेते हैं वहीं पे इसकी सर्विसिंग मिल जाती है, तो हर सिटी में इनका शोरूम अवेलेबल है, तो सर्विसिंग के वक्त भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। अगर हम ये दोनों के बीच में डिसएडवांटेज देखा जाए तो नए स्टार्टअप्स के सबसे बड़ी दिक्कत अवेलेबिलिटी को लेकर होती है। जैसे नए स्टार्टअप्स जो स्टेट से होते हैं वहां पे पहले लॉन्च करते हैं, जो बाकी के स्टेट होते हैं वहां पे इनका फ्यूचर प्लान होता है। तो इसी बीच कई सारे अच्छे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मिस हो जाते हैं दूसरे स्टेट के कस्टमरों के लिए, जैसे कि रिसेंटली लॉन्च हुई मंत्रा का इलेक्ट्रिक ऑटो
रिक्शा काफी अच्छा रेंज, काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें उस ऑटो रिक्शा में मिलने वाला है। तो फिलहाल वो नेशनल वाइड नहीं अवेलेबल है, तो दूसरे स्टेट से जो भी होंगे तो उसको बहुत ही मिस हो जाते हैं ऐसे अच्छे ऑटो रिक्शा। और कई सारे लोग नया स्टार्टअप के नाम से चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके मार्केट के अंदर बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। यहाँ पे कस्टमर को सर्विस सही से नहीं मिलती है और प्रोडक्ट के अंदर कई सारे दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे जो जेन्युइनिटी से नया स्टार्टअप आता है इंडियन मार्केट के लिए, उसके लिए बैड इंपैक्ट गिरने वाला है। तो यहाँ पे कस्टमर भी जब लेता है तो नया स्टार्टअप से सोच समझ के ले और कंपनी का बैकग्राउंड भी रिसर्च करे। आपको उतना रिसर्च करना नहीं हो रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर आपको नए नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के कंपनीज और नए ऑटो रिक्शा के बारे में आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा हमेशा। और दूसरी दिक्कत नए स्टार्टअप से ये आती है कि जो नया स्टार्टअप होता है वो अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो हमेशा हमें ही झेलना पड़ता है। इतने पैसे देने के बाद भी जो हमारे दिक्कतें होती है उनको फुलफिल करते हुए नया प्रोडक्ट या नया वेरियंट लॉन्च करती है स्टार्टअप। तो यहाँ पे पहला लेता है वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट बन जाता है कंपनी के लिए। और कई सारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हुए आगे बढ़ सकती है और कई सारे नए स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट ना मिलने कारण बंद भी हो सकते हैं, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अगर पुराने कंपनियों में दिक्कत की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रेंज हमारे हिसाब से नहीं मिलता है। जो कंपनी देना चाहती है वही रेंज हमें मिलता है पुरानी कंपनियों से, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रस्ट करके रखे हैं पुरानी कंपनियों पे, वो उनके हिसाब से चलेंगे ना कि मार्केट के हिसाब से। फिलहाल मार्केट में भी आप देख सकते हैं कई सारे पुराने कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर काफी कम लिमिट है अपना रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि बाकी के जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं काफी ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। और पुरानी कंपनियों का मार्केट में काफी अच्छा नाम होता है, तो इस नाम को कैश करने के लिए इन्होंने जो पुराना प्रोडक्ट इनका होता है उसी के अंदर मोटर बैटरी लगाकर मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं और जो रिवोल्यूशन आ रहा है उसके जरिए मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं पुरानी कंपनी। अगर आप देखेंगे सेम कंपनी से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और आईसी इंजन का ऑटो रिक्शा को, तो कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल मार्केट के अंदर भी काफी सारे कंपनियों के ये दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं। हो सके तो आप कोशिश कर रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने की। सिर्फ आपको इंजन जो होता है उसके जगह पे कुछ जुगाड़ करके मोटर लगा ही मिलेगी और कहीं भी आपको सीटी के नीचे या कहीं पे भी आपको बैटरी लगा के दे देंगे। तो अगर बात करें हम दोनों कंपनियों के सर्विस प्रोवाइडिंग को, आफ्टर सेल सर्विस कैसे रहे, किस तरह से रह सकती है, तो यहाँ पे नया जो स्टार्टअप होता है उसके जरिए आपको सर्विसिंग का ज्यादा रिस्पांस देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी नया स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट के ऊपर बैड रिव्यूज नहीं चाहती है। तो यहाँ पे आपको सर्विसिंग थोड़ा अच्छा से मिल सकती है मेरे ओपिनियन में। अगर ओल्ड कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे ओल्ड कंपनियों के जो सर्विस रिव्यूज है वो बैड निकल के आ रहे हैं। ये तो अवेलेबल है हर सिटी के अंदर, लेकिन जब कस्टमर लेता है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और सर्विसिंग पे जाता है तो सर्विसिंग सही ढंग से नहीं मिल रही है और जो शोरूम है वो पुराना शोरूम है और आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा वहां पे बेचे जाते थे। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो डीजल या सीएनजी ऑटो रिक्शा का एक्सपर्ट होता है, ना कि ईवी का। ईवी के जो एक्सपर्ट अभी तक बने नहीं है, शायद कई सारे कंपनी अभी तक हायर भी नहीं किए ईवी एक्सपर्ट को। तो मेरे ओपिनियन में आपके लिए सर्विस थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है पुराने कंपनियों के शोरूम के ऊपर। वैसे कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट के बारे में बैड रिव्यू नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं उनको सही से उसके ऊपर नॉलेज नहीं होता है, उसी वजह से हमें दिक्कत झेलना पड़ता है। वैसे सर्विसिंग पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपसे ही सुनना चाहता हूं मैं, आप अगर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ओन करते हैं तो आपका सर्विसिंग को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है नीचे जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप आपके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ फोटो भी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दिया हूं, वहां पे जाके आपके फोटो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। इसके लिए हम एक वीडियो सेपरेटली सर्विसिंग के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो वाला वीडियो कंपनियों तक पहुंचे। तो दोस्तों ये था नए स्टार्टअप्स और पुराने जो कंपनियां होती है दोनों के बीच में छोटा मोटा डिफरेंस। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अपडेट चाहते हैं, नए नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, और मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।